नो हनुमान बेनीवाल जी गिर गया हूँ आप पैनिक पैनिक से वो डांस के रविंद्र आप बाहर चले जाओ ना मुश्किल से नंबर आया मेरा अधिरंजन जी अधिरंजन जी अधिरंजन जी अधिरंजन जी प्लीज प्लीज बी सीटेड प्लीज बी सीटेड सभापति महोदय मैं अभी मैं देखती हूँ अभी रविंद्रनाथ जी वॉज टॉकिंग अबाउट द पनिशमेंट फॉर पीपल हु क्रिएट पैनिक सिचुएशंस अबाउट डांस सेफ्टी लेट हनुमान बेनीवाल स्पीक एंड वी विल कंसीडर दिस सभापति महोदय सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे सदन में बांध सुरक्षा विधेयक पर जो चर्चा चल रही है बहुत गंभीर मामला है और धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का और विशेष रूप से हमारे मंत्री जी का जो मारवाड़ से आते हैं और निश्चित रूप से इन्होंने बहुत बड़ी चिंता की दो बिल इस सदन के अंदर लाए पहले अंतर्राज्य जो जल समझौते का उसका था और दूसरा बिल आज बांध जो सुरक्षा का बिल है निश्चित रूप से इस मामले के अंदर बहुत बड़ी सोच के साथ आने वाले समय के अंदर किस तरह बांधों की सुरक्षा की जाए और बांधों से जो बहुत बड़े नुकसान हुए पहले घटनाएं घटित हुई बांधों से अभी एक मंत्री जी एक घटना का जो जिक्र कर रहे थे सबसे बड़ी घटना जो घटित हुई 1979 के अंदर जिसमें हजारों लोग मौत के शिकार हो गए थे निश्चित रूप से बांध पे राज्य के साथ साथ केंद्र का भी उतना ही अधिकार है जितना राज्य का अधिकार है और मंत्री जी ने स्पष्ट भी किया कि इसके अंदर हम कोई राज्यों का हक अधिकार नहीं छीन रहे हैं बस बांधों की और आम जन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार चिंतित है इसलिए बिल लेके सदन के अंदर आए मैं धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय इस विधेयक से बांध सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी और देश में स्थित 5,344 बड़े बांधों और 400 से अधिक निर्माण दिन बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि देश में 293 बांध ऐसे हैं जिनका इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है सभापति महोदय इसके अंदर उद्देश्य कारण के अंदर कहा गया है कि महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं जिसका सिंचाई विद्युत उत्पादन बाढ़ नियंत्रण पेयजल और औद्योगिक प्रयोजनों एवं इसके बहुउद्देश्य उपयोगों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है कोई असुरक्षित बांध जो मानव जीवन के लिए परिस्थितिकी और सार्वजनिक एवं निजी परिसंपत्तियों के लिए संकट का कारण बन सकता है इसीलिए बांधों की सुरक्षा को लेकर देश की सरकार ने बहुत बड़ी चिंता की और मैं सरकार का धन्यवाद इस बात का भी देना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो 100 दिन की कार्य योजना है उसके अंदर आप ऐसे ऐसे बिल लेकर आए मजदूरों का बिल आया या आम उपभोक्ता का बिल आया न्यूनतम मजदूरी का बिल आए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी आए जम्मू कश्मीर का मामला भी आया और आज बांधों का आया नदी नालों को जोड़ने की योजना अटल बिहारी जी ने एक सपना सोचा था कि देश की तमाम नदियों को जोड़ के जहाँ बाढ़ आती है वहाँ बांध बने और जो सूखे इलाके जैसे हमारा राजस्थान सूखा इलाका है उन तमाम राज्यों के अंदर जहाँ सिंचित क्षेत्र नहीं है वहाँ सिंचित क्षेत्र बढ़े और उसी को परिणति के अंदर बदलने के लिए आज ये बिल बहुत कारगर साबित होगा इसके अंदर हमारे विपक्ष के कई साथी कह रहे थे कि इसे राज्यों का अधिकार चले जाएंगे मुझे नहीं लगता साहब कि इसे राज्यों का अधिकार में कोई दखलंदाजी होगी मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश में जो जल समस्या है वो किसी पार्टी की व्यक्तिगत नहीं है मैं तो जल वाला जो विधेयक था उसमें बोलते ये भी कहा था कि जिस तरह तेल को आप मानते हो कि किसी इलाके के अंदर तेल निकलता है वो तेल गैस ये सब राष्ट्र की संपत्ति होती है उसी तरह जल भी पूरे राष्ट्र की संपत्ति है और बहुत बड़ी सोच के साथ एक उठाया कदम है विपक्ष में बैठे लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए बांध सुरक्षा अधिनियम में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी की आप समझ बाबा जी समिति बांध सुरक्षा संबंधी नीति विकसित करेगी और ऐसी विनियमों की सिफारिश करेगी जो प्रायोजन के लिए उपस्थित हो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर ये बिल जो आज एक दो मिनट में कर रहा हूँ सर बिल जो आज लाया जा रहा है बांधों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा मैं मंत्री जी से राजस्थान के बारे में हमारे राजस्थान की जो मौसमी नदियां जहां भी है
उनके बरसात के समय उपांत कई बार विकट हालात भी हुए, इसलिए उनके बाल क्षेत्र के पास बांधों के निर्माण हेतु योजना बनाई जाए ताकि जल संकट का समाधान हो सके। जिस तरह हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री करने वालों के खिलाफ मुकदमे का प्रावधान किया, निश्चित रूप से कोई बांध अगर टूट जाता है तो क्रिमिनल केस भी दायर होता है बांध बनाने वालों के खिलाफ, इंजीनियरों के खिलाफ। लेकिन इसके अंदर ये प्रावधान भी मंत्री जी आप लाए हैं कि इसकी मॉनिटरिंग करने वाले अफसर पर आपराधिक मुकदमा हो अगर बांध के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो, इसकी केंद्रीय समिति इसकी जांच करे। और मैं तो इसके अंदर ये भी कहूंगा साहब, जो भी ऐसे मसले हैं इसमें संसदीय समितियां बननी चाहिए, सांसदों के दल जाने चाहिए अलग अलग, और वो भी रिपोर्ट करे, ऐसा होना चाहिए सभापति महोदय। इसके साथ ही मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि राजस्थान के संपूर्ण बांधों की स्थिति पर रिपोर्ट तलब की जाए, क्योंकि आज जो हमारे रामगढ़ और ये रामगढ़ का बांध है साहब, 1982 के अंदर जब एशियाड हुआ था तो जयपुर के रामगढ़ बांध में नौकायन की प्रतियोगिता हुई थी, वो आज खाली है। वहां इतना अतिक्रमण हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अतिक्रमण हटाओ, लेकिन उसके बावजूद रामगढ़ के बांध का अतिक्रमण नहीं हट रहा है, क्योंकि जितने भी अतिक्रमी है वो कहीं ना कहीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जो मैं तो ये कहूंगा अभी जो राजस्थान के अंदर सत्ता है उनके नजदीकी लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी रामगढ़ से अतिक्रमण नहीं हट रहा है। जोधपुर का उमेश सागर हो, चाहे बांसवाड़ा का माई जवाहर सागर, ये जितने भी बड़े बांध है इनके रखरखाव के साथ सिंचित क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए, इसके अंदर भी मैं निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, कई बार उच्च न्यायालय के निर्णय आए मगर राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके एक मिनट सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन ये था कि मंत्री जी भी राजस्थान चाहते हैं, हम लोग राजस्थान चाहते हैं, और बहुत बड़ी उम्मीद पूरा देश आज देख रहा है मोदी जी की तरफ कि राजस्थान के अंदर भी वो दिन आएंगे। हम तो उस इलाके से आते हैं मारवाड़ के उस इलाके से जहाँ पीने के पानी को लेकर लोग 5-5, 7-7 किलोमीटर तक पैदल चल के घड़े भर के महिलाएं पीने का पानी लेकर आती थी, वहां हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां सिंचाई का पानी आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा कि कई योजनाएं यहां से बनी, पूर्ववर्ती सरकारों ने वहां बनाई, जोधपुर नागौर जो मंत्री जी का हमारा नजदीकी क्षेत्र है वहां पीने का पानी जरूर आ रहा है, लेकिन साहब सिंचाई का पानी वहां पर है। और जो अभी अंतर्राज्य जो बिल आप लेकर आए थे नदियों का, उसका राजस्थान को उससे कैसे जोड़े, राजस्थान के बांध कैसे भरें, और जितने भी हमारे बांध राजस्थान के अंदर है वो कैसे उनकी भराव क्षमता की अतिक्रमण हटे। इसके साथ ही मैं मेरी पार्टी की तरफ से बिल का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जल्दी से जल्दी अटल जी का